हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए गाथा ग्रहण करने का लेक्चर नंबर दो लेकर आया हूँ, जो रेलवे और एसएससी और बैंकिंग एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए 71 वा क्वेश्चन। यदि √324 बराबर x 8, तो x का मान रूट रूट 324 √324 बराबर आ जाएगा अक्स और 8, दोनों तरफ पूरा करने पर इधर आ जाएगा 324, इधर आ जाएगा अक्स 8 का स्क्वायर। 324 अक्स बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 324 बराबर 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर होता है 324, तो 324 इसका मान अक्स बराबर 1। आगे देखें स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन सरल कीजिए। 4√18 प्लस 7√32 माइनस 2√50, तो 4√18 का जाएगा 4√18 का जाएगा 3 × 3 × 2 प्लस 7 प्लस 7√32 का जाएगा 4 × 4 × 2 −2 − 2√50 का जाएगा 5 × 5 × 2, हो जाएगा ये 4। तो 3 बार आ जाएगा, 4 × 3 = 12√2 प्लस 7 × 4 = 28, √2 माइनस 5 × 2 = 10√2, 28 और 12 = 40, 40√2 माइनस 10√2 इसका मान आ जाएगा 30√2। आगे देखें स्टूडेंट्स, दूसरा 77वां क्वेश्चन। रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, वाई बराबर 2x, टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। तो इस साइड का दोनों साइड वर्क करने पर इस साइड आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 725। y बराबर 2x लिखा है, y बराबर 2x लिखा है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर बराबर 725, 4 × 5 x² बराबर 725, एक्स स्क्वायर बराबर 125, और अक्ष बराबर हो जाएगा √125। आगे देखिए 76वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स। √0.0169 इंटू अक्ष बराबर 1.3, तो याद आएगा रूट के अंदर ऊपर 1.69 × x/10000, तो ऊपर हो जाएगा 13, इधर आ जाएगा 13, इधर आ जाएगा 10, क्योंकि 1.3 में पॉइंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा 10। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इस साइड का वर्ग घट जाएगा, ये हो जाएगा 169 × x/10000 बराबर, इधर हो जाएगा 100 × 13 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 10 का 100, तो ये 100 से 2 जीरो चला जाएगा, 169 से 169 चला जाएगा, एक्स बराबर 100। आगे देखिए स्टूडेंट्स 75वां क्वेश्चन। यदि एक्स प्लस √x = 90, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो हो जाएगा √x = 90 − x, दोनों तरफ पूरा करने पर इधर आ जाएगा यह हट जाएगा, एक्स आ जाएगा, इधर आ जाएगा 9 * 81 =
बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab 9 दूनी 18, 180 अक्ष, 180 अक्ष, ये हो जाएगा अक्ष स्क्वायर माइनस 181 अक्ष, इधर आ जाएगा तो 181 ये माइनस इधर आ जाएगा 181 अक्ष प्लस 8100 बराबर 0, अक्ष स्क्वायर माइनस 100 अक्ष माइनस 81 अक्ष प्लस 8100 बराबर 0, अक्ष अक्ष कॉमन आ गया, अक्ष माइनस 100, अक्ष माइनस 100 माइनस 81 कॉमन आ गया, अक्ष माइनस 100 बराबर 0, अक्ष माइनस 81 और अक्ष माइनस 100 बराबर 0, अक्ष बराबर 81 और 100, तो अक्ष का मान 81 होगा। आगे देखें स्टूडेंट्स, सेंटर वाला क्वेश्चन 336.1 बटा 102.4, रूट में आ जाएगा ये 361 बटा 1024, ऊपर आ जाएगा 10 और नीचे भी आ जाएगा का 10, ऊपर आ जाएगा 10 और नीचे भी आ जाएगा का 10, 10 से 10 चला जाएगा, 361 का आ जाएगा 19 और 1024 का आ जाएगा 32, 19 बटा 32। स्वतंत्रवा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, वर्गमूल ज्ञात कीजिए, 0.091 कोष्टक 0.11 कोष्टक बंद बटा 0.91 बटा 1.331, तो ये हो जाएगा ऊपर 91 इंटू 11 बटा 91 इंटू 11 बटा 91 इंटू 1331, ये इससे चला जाएगा 11 से एक बार और ये इससे 11 से एक बार और ये 121, रूट अक्स अक्स रूट में आ जाएगा, रूट 1 बटा 121 बराबर 1 बटा 11। आगे देखें स्टूडेंट्स 78वां क्वेश्चन, रूट 121 इंटू 0.9, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर रूट 121 इंटू 9 बटा 11 इंटू 11, 11 इंटू 11, तो 11 से 11 ये चला जाएगा, रूट के अंदर 9 इसका मान आ जाएगा 3। आगे देखिए स्टूडेंट्स 79वां क्वेश्चन, a बटा रूट 512 बराबर रूट 162 बटा a का मान, तो ये हो जाएगा a इंटू a बराबर रूट 512 इंटू रूट 162, तो हो जाएगा a इंटू a बराबर रूट 512 होता है a 8 इंटू 8 इंटू रूट 162 का हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 2, ए स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर रूट 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 दूनी 16 इंटू 9 इंटू 9, ए बराबर हो जाएगा 8 इंटू 4 इंटू 9, ए बराबर 9 चौक 36 इंटू 8 288। आगे देखें स्टूडेंट्स 80वां क्वेश्चन, रूट 3 बराबर 1.737, तो 1 बटा रूट 3, तो उसको ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, तो ऊपर आ जाएगा रूट 3 नीचे आ जाएगा 3, रूट 3 का मान कितना है 1.732 बटा 3, तो ये इससे चला जाएगा 0.577। आगे देखें स्टूडेंट्स 81वां क्वेश्चन, यदि अक्ष धनात्मक है और अक्ष बटा रूट 243 बराबर रूट 2187 बटा
अक्ष से, तो ये हो जाएगा इसका मान अक्ष बटा रूट 243 का मान आएगा 9 × 9 × 3 बराबर रूट 2187 का मान आ जाएगा 3 × 9 × 9 × 9 बटा अक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9 × 9 × 9 × 9 × 9 × 9 अक्स बराबर आ जाएगा 9 × 9 × 9 × 9 × 9 × 9 अक्स बराबर 9 × 9 = 21 अक्स बराबर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 3 9 नीचे 2 3 2 5 9 5 5 9 9 2 9 3 अक्स बटा 9√3 बराबर 27√3 बटा अक्स, अक्स स्क्वायर बराबर 27 × 9 × √3 × √3 तो अक्स स्क्वायर बराबर 27 × 27 अक्स बराबर 27। आगे देखे स्टूडेंट्स, निम्न को हल कीजिए, √4375 बटा √7, तो ये एक साथ ले लेंगे 4375 बटा 7, इसमें अपन रूट के अंदर भाग देंगे तो आ जाएगा 7 7 6 42, 1 7 2 14, 7 5 35, 725, 725 मान होता है 25 का। आगे देखे स्टूडेंट्स, 83 का क्वेश्चन, √576 बटा √625, तो ये √576 बटा 725, 576 कितना किसका होता है 24 का, 725 होता है 25 का, 24 बटा 25 ये चला जाएगा 0.096। आगे देखे स्टूडेंट्स, 84 का क्वेश्चन, √5879, तो √9 को 58 से मल्टीप्लाई करके 7 जोड़ेंगे तो इसमें आएगा 529 बटा 9, 529 होता है 23 का बटा 3, तो ये चला जाएगा इससे 3 7 21, 7 6 2 बटा 3। आगे देखे स्टूडेंट्स, 85 का क्वेश्चन, 5 6 44 बटा 49, तो का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो वर्गमूल में 49 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और 44 जोड़ना है, 289 बटा 49, 289 बटा 49, तो 289 किसका आता है, 17 का 49 आता है 7 का, 17 बटा 7। आगे देखिए 86 वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, a² बटा b² + b² बटा a² + 2 का मान का वर्गमूल, तो रूट ये हो जाता है a² बटा b² + b² बटा a² + 2, ये हो जाएगा रूट के अंदर a/b + b/a का स्क्वायर बराबर a/b + b/a। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 87 वा क्वेश्चन, √169 = 13, तो ऊपर कितना है, ऊपर 0 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, तार छोड़ गए तो 0
0.0013/13, 1/3 ये चला जाएगा इससे, 1/3, तो इसका मान 0 नीचे आ जाएगा 13, ऊपर वाले का 13 है तो जब भी आ जाएगा तो 13 हो जाएगा इसका मान। ये इधर 1, 2, 3, 4 ये इससे कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1/10,000 का मान आ जाएगा 0.0001। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 88वां क्वेश्चन, 0.14/1.4 का स्क्वायर, तो एक बार प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं, 0.14/1.4 का स्क्वायर माइनस 0.1/1.1 का स्क्वायर प्लस 0.13/1.3 का स्क्वायर बराबर ज्ञात करना है अपन को, स्क्वायर बराबर ज्ञात करना है, तो ऊपर आ जाएगा 14/14 क्या जाएगा 140, 14/140 का स्क्वायर माइनस 11/110 का स्क्वायर प्लस 13/130 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/10 का स्क्वायर माइनस 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 का स्क्वायर, इसका माना जाएगा 1/100। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 89वां क्वेश्चन, रूट प्रश्नवाचक चिन्ह बटा 31/36 बराबर 1/2, ये हो जाएगा अक्ष कोष्टक, रूट अक्ष बटा 31/36 का स्क्वायर बराबर 1/2 का स्क्वायर, दोनों साइडों में स्क्वायर कर लेंगे, ये हो जाएगा अक्ष बटा 31/36 बराबर 1/4, अक्ष बराबर 31/36 में 4 का भाग देंगे तो आएगा 784। आगे देखे स्टूडेंट्स, 90वां क्वेश्चन, कोष्टक माइनस 144/576 इंटू माइनस 16/64, तो हो जाएगा ये माइनस का 12/24 इंटू 12/24 इंटू माइनस का 16/4 16/8 तो हो जाएगा ये 12 × 16, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 × 8, 12 × 2, 8 × 16, 16 × 1। आगे देखिए 91वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स, रूट 256/289/4³ तो हो जाएगा ये 4³, ऊपर हो जाएगा 16 × 17/2 × 2 × 2 × 2 × 4 × 8, 8 इससे चला जाएगा 2 × 17 × 34। आगे देखिए स्टूडेंट्स, रूट 196 आ जाएगा किसका, 14/4.375 इंटू 900 आ जाएगा 30/9.375 बराबर, ये चला जाएगा इससे, ये चला जाएगा इस पर आ जाएगा 4/320 नीचे आ जाएगा 41.01, ये कट जाएगा इससे 10.24। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 93वां क्वेश्चन, √0.64/√0.16 का मान हो जाएगा ये सेम 64/16, 8 का 16 तार का माना जाएगा 2।
आगे देखिए स्टूडेंट्स, 94 वा क्वेश्चन, रूट 45 इंटू रूट 20 बटा रूट 12 बट रूट 3, तो 45 का मान आ जाएगा 3/5 इंटू आ जाएगा 2/5 बटा 2√3 इंटू रूट 3, तो जाएगा 3 × 6 × 5, 6 × √5 से रूट 5 मल्टीप्लाई होगा तो 5, ये हो जाएगा 2 × 3, ये इससे चला जाएगा तो इसका मान आ जाएगा 5। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 95 वा क्वेश्चन हल कीजिए, 3√121, 3 × 11 माइनस, इसका मान आ जाएगा √361 का आ जाएगा 19 बटा √530 का मान आता है, 529 का मान आता है 23 प्लस 2 √36, 36 का 6 × 12, ये हो जाएगा 11 × 33, 33 में से 19 चला गया तो आ जाएगा 14/23 प्लस 12 = 35, 7 × 14 और 7 × 5 = 35, 2/5। आगे देखें स्टूडेंट्स, 96 वा क्वेश्चन, √225 = 15, √225 = 15, अब इसका मान होगा 225 = 15, तो हो जाएगा ऊपर 15/15/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नीचे आ जाएगा कितना, 0, 4, 0 इंटू 15 में 15 है, 15 से 15 चला जाएगा, क्या आ जाएगा 0.001। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 97 वा क्वेश्चन, √256 = 16, हो जाएगा 0.00000256/16, तो 3 × 6 = 8, हो जाएगा ये 256, ये हो जाएगा 256 की जगह 16/, नीचे आ जाएगा 4 × 16 × 16, ये पूरा कट जाएगा 0.001। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 98 वा क्वेश्चन, √9 = 3, तो ऊपर आ जाएगा √81/√3, तो इसका मान होगा √81/√3, तो 81 का मान आ जाएगा 9/√3, 9 की जगह आ जाएगा 3 × √3, नीचे √3 से √3 चला जाएगा 3√3 का मान। आगे देखिए स्टूडेंट्स, √144 = 12, तो 144 2 × 2 = 4 × 6 है, तो ये 3 छोड़ के आएगा 0 पॉइंट ये आ जाएगा बाहर, तो इसका हो जाएगा 12, क्या आ जाएगा 1000 × 12, 12 से 12, क्या आ जाएगा 0.001। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 2 × 2 = 4 × 6 = 8, ये 3 छोड़ के आएगा, 1 0 और आएगा इधर, हो जाएगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 5√32/243, रूट में 5 है तो ये हो जाएगा इसका मान 5, ये हो जाएगा 32, 32 का हो जाएगा 2/3 × 5, तो 2/3 × 5 × 1/5, तो 5 से 5 चला जाएगा इसका मान 2/3। आगे देखे स्टूडेंट, 101 वा क्वेश्चन, √x + √6.25 = 2,
अक्ष का मान, अक्ष भाग है, प्लस नहीं है यहाँ पे, है भाग, तो इसका मान हो जाएगा रूट अक्ष भाग रूट 6.25 बराबर 2, तो आ जाएगा रूट अक्ष बराबर 2.5 बराबर 2, रूट अक्ष बराबर, रूट अक्ष बराबर 5, रूट अक्ष बराबर 5 दोनों साइड स्क्वायर करने पर इधर आ जाएगा अक्ष बराबर, इधर आ जाएगा 25 अक्ष का मान। आगे देखे स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अप्रिमेय है? अप्रिमेय ये किसका होगा? ये हो जाएगा तार का, ये हो जाएगा आठ का, ये हो जाएगा आठ है, ये हो जाएगा 16 का, 16 ये हो जाएगा, ये 16 का नहीं होगा, ये होगा 16 का अप्रिमेय संख्या ये होगी। आगे देखिए स्टूडेंट्स, व्यंजकों में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तो ये हो जाएगी 1 प्लस 3 बराबर 4, 4 प्लस 7 बराबर 11, 11 प्लस 9 बराबर 20, 20 प्लस 11 बराबर 31, 31 प्लस 13 बराबर 44। तो 44 के अंदर कौन सी संख्या जोड़े उसका पूर्ण वर्ग हो जाए, 44 में 5 जोड़ना पड़ेगा जिससे हो जाएगा 49, 49 होता है 7 का स्क्वायर। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 104वां क्वेश्चन, रूट 5 की घात एन बराबर 625, रूट 5 की घात एन, तो हो जाएगा ये 5 की घात एन एन बटा एन बटा 2 बराबर 625 की जगह आ जाएगा 5 का घात 4। दोनों पक्षों की तुलना करने पर तो ये बेस बराबर है तो घात बराबर होगी, एन बटा 2 बराबर 4, एन बराबर 8। आगे देखिए स्टूडेंट्स, रूट 3 की घात एन बराबर 729, हो जाएगी 3 की घात एन बराबर 3 की घात 12, घात समान है, अगर बेस समान है तो घात भी बराबर होगी, एन बराबर 12। आगे देखिए स्टूडेंट्स, सरल कीजिए, 25 सही 3/2, 25 सही 3/2, तो हो जाएगा 25 सही 3/2, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और कोष्टक 3/2, 2 से 2 चला जाएगा, 5 की घात 3, 5 की घात 3 हो जाएगी 125। आगे देखिए स्टूडेंट्स, सरल कीजिए, 27 की घात -2/3, तो 27 की घात हो जाएगी 3, 27 की घात 3 की घात 3, फिर हो जाएगी -2/3, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगी 3 की घात -2, 1/9। आगे देखे स्टूडेंट्स, 1000 की घात -1/3, 1000 की घात हो जाएगी 10 की घात 3, फिर हो जाएगी -1/3, 3 से 3 चला जाएगा, ये हो जाएगा घात 1, तो 1/10। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 109वां क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 1/4 और 1/3 और 1/4 के बीच का अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है तो संख्या ज्ञात कीजिए, अक्ष बटा 3 माइनस अक्ष बटा 4 बराबर रूट अक्ष, तो अक्ष बटा 12 बराबर रूट अक्ष, दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा अक्ष स्क्वायर बराबर 144 बराबर अक्ष, अक्ष बराबर अक्ष से अक्ष चला जाएगा, अक्ष बराबर 144। आगे देखे स्टूडेंट, 110वां क्वेश्चन, एक विभाजक की पुनर्गठन संख्या 1/2
पुनर्गठन संख्या एक बटा पांच प्लस तीन रूट दो, तो ये हो जाएगा एक बटा पांच प्लस तीन रूट दो ऊपर नीचे विपरीत से गुना, एक पांच माइनस तीन रूट दो बटा पांच माइनस तीन रूट दो, तो ऊपर हो जाएगा पांच माइनस तीन रूट दो बटा, इसका हो जाएगा पचम 25 माइनस 25 माइनस 18, ये हो जाएगा 5 माइनस 3 रूट 2 बटा 7। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 111वां क्वेश्चन, अक्ष का मान क्या होगा यदि रूट 1849 इंटू रूट अक्ष बराबर 2451। 1849 होता है रूट 43 इंटू 43 इंटू रूट अक्स बराबर 2451, रूट अक्स बराबर 2451 बटा 43, 2451 बटा 43, रूट अक्स बराबर 57, दोनों साइड स्क्वायर करने पर इधर आ जाएगा अक्स बराबर 57 का स्क्वायर हो जाएगा 3249। आगे देखिए 112वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स, रूट कोष्टक 3 रूट 9 माइनस 3 रूट 8 9 प्लस 2 रूट 18 का मान ज्ञात कीजिए, तो ये हो जाएगा रूट 3 कोष्टक 3 इंटू 3 माइनस 6 रूट 2 कोष्टक 9 प्लस 9 प्लस 6 रूट 2, रूट में हो जाएगा रूट के अंदर 9 माइनस 6 रूट 2, 9 माइनस 6 रूट 2 और 9 प्लस 6 रूट 2, 9 प्लस 6 रूट 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसका ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस 6 रूट 2 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 9 नाम 81 माइनस 6 का 36 और 2 का हो जाएगा 2, 36 गुना 72, ये हो जाएगा रूट 9 बराबर 3। आगे देखें स्टूडेंट्स 113वां क्वेश्चन, यदि रूट 1296 बराबर दूसरे मार्ग का स्क्वायर, दूसरे मार्ग का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1296 बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, तो ये इधर रूट में है, अब 1296 आ जाएगा तो इधर क्वेश्चन मार्क की घात हो जाएगी 4, तो ये 1296 हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 क्वेश्चन मार्क की घात 4, तो ये हो जाएगी का इसका क्वेश्चन मार्क बराबर 6। आगे देखिए 114वां क्वेश्चन, छात्रों के एक समूह ने तय किया कि हर एक सदस्य से अधिक उतने पैसे लिए जाएंगे जितने सदस्यों की संख्या है, यदि राशि का कुल संग्रह 6,061.41 है तो समूह के सदस्यों की संख्या, तो 62.41 बटा क्या आ जाएगा नीचे 100, इसका अपन को निकालना पड़ेगा वर्गमूल, तो 6,641 होता है 79 का, 79 और 100 का हो जाएगा 10, 79 और 100 का हो जाएगा 10, प्रत्येक छात्र से 79 पैसे, प्रत्येक छात्र से 79 पैसे इकट्ठे किए जाएंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा।